जो भाई विनोद और हमारे सहयोगी संगत से गए हुए थे, जिन्होंने ये दृश्य देखा है और महसूस किया है कि भक्ति क्या चीज होती है। जो गुरु मासी मदया ने अपने महलों से उतरकर जो पैदल चलकर यात्रा की है, जो अपने परिवार को महान को त्याग कर और अपने भक्तों की मंडली के साथ पैदल यात्रा चल पड़ी और किस प्रकार आज शिव शक्ति को लाने में सफलता प्राप्त की और किस तरह धूप की कड़ी कठिनाइयों को सहन किया, किस तरह रोड क्रॉस किया, किस तरह देखा नहर के किनारे बैठकर की तकलीफ क्या होती है, कि एक गरीब इंसान तकलीफ से कैसे गुजरता है। पैसे हमारे लिए मरहम का काम नहीं करते, मरहम का काम कौन करती है? दुआएं, शक्तियां जो हमें समय आने पर बचाती हर विपदा से। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक ही बात कहता, अब मेरे बस की बात नहीं है, अब भगवान से प्रार्थना करो, दुआ काम आएगी। तो कई बार हमारे लिए पैसे काम नहीं आते, दुआएं काम आती हैं। तो वो दुआएं हमारी गुरु मां सीमा देवा के पास है और हमें साक्षात इसके अंदर शिव शक्ति के दर्शन होंगे। भक्तों अपने ध्यान से विनोद भाई आपको इस यात्रा का वृतांत करके सुनाएंगे, वर्णन करेंगे कि गुरु मां सीमा देवा ने किस प्रकार अपनी पैदल यात्रा शुरू की और किस तरह वहां ज्वालामाई के दर्शन हुए, किस तरह की हमारी परीक्षाएं हुई और किस तरह के हमने सारा संसार देखा कि संसार में क्या है क्या नहीं है, पीएम मोह महा का बंधन कैसा है, ये सब विनोद भाई अपने मुख से आपके सामने सब वर्णन करेंगे। बोल सत्य दरबार की। जिनके रूप में मुझे पहली बार माता के द्वारा
पूछा आप कौन हो, उन्होंने कहा कि मैं तेरी माजवाला हूँ और एक दिन तू मेरे लिए बहुत कुछ करेगी। ये बोल के माँ वहीं समा गई और हर मैं आज तक ना कहीं को भूल पाई और ना मैं माजवाला से दूर जा पाई। आज ये भव्य मंदिर बना है माजवाला के नाम से, ये सब माजवाला की कृपा बेटा, क्योंकि हम पैसों से महल कोठियां बना सकते हैं, गाड़ियां खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन मंदिर बनाना बहुत हमारी सोच से पे होता है। ये सब कौन कराती है? शक्तियां, जिन शक्तियों के पास हम विराजमान रहते हैं। अभी हम ज्वाला माता की कथा करेंगे और रात को जागरण माँ का, मैं चाहती मेरे सभी बच्चे वहीं पे रहे और ज्वाला माता के बारे में, और जिन बच्चों ने मेरा मंदिर में सहयोग दिया, जिन बच्चों ने दिल जान से मंदिर में अपनी मदद की, उनका मान सम्मान करेंगे। और सच्चे दरबार की जय हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आइए इस पावन कथा का सारे सच्चे हृदय से श्रवण करते हैं, और जो भी सच्चे हृदय से इस कथा को श्रवण करेगा, मैं गारंटी देके कहता हूँ इस दरबार से उसके सारे मनोरथ सारे कार्य सिद्ध होंगे, जो भी सच्चे हृदय से इसको श्रवण करेगा। बोली सच्चे दरबार की, बोली गणपति जी महाराज की जय, माँ शारदे। बोली सच्चे दरबार की, कराए ज्वाला महामाई का। बोल सच्चे दरबार की जय, जय कराए पार्थिव बड़ी माता का। बोल सच्चे दरबार की जय, जय करा माँ बाला सुंदरी का। बोल सच्चे दरबार की जय, जय करा माँ वैष्णो देवी का। बोल सच्चे दरबार की जय, जय श्री राम। बोल जय कराए गुरु माँ सीमा देवा का। बोल सच्चे दरबार की जय। हे गुरु माँ सीमा देवा, मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे गुरु माँ सीमा देवा, मैं आपके बारे में कुछ भी गुणगान कर सकूं, इतनी मेरी औकात नहीं है, फिर भी मैं माँ ज्वाला का ध्यान करते हुए और आपके श्री चरणों का ध्यान करते हुए ज्वाला महा माया की यात्रा कथा प्रारंभ कर रहा हूँ। जय गुरु माँ सीमा देवा, अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना, अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना। बोल सच्चे दरबार की। आइए प्रिय भक्तों, उस कथा को आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, ये जो कथा आपको सुनाने जा रहे हैं, यह एक सत्य घटना पर आधारित कथा है। एक ऐसी कन्या की कथा है जिसने एक साधारण परिवार में जन्म लिया और वो कोई साधारण कन्या नहीं थी। उन्हें बचपन से ही माँ का आशीर्वाद प्राप्त था। श्री हरि किशन जी के घर में चार कन्या और एक पुत्र ने जन्म लिया। उन्हीं कन्याओं के बीच में एक दिव्य रूपी कन्या ने भी जन्म लिया। मैं दिल की गहराइयों से उस कन्या के माता पिता को प्रणाम करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आइए शुरू करते हैं कथा। एक दिव्य रूपी कन्या धरती पे हुई पैदा, जिसका नाम था सीमा और गोहाना। फिर अन्य बीतते थे शिक्षा भी ग्रहण करते, इकट्ठे बहन भाई खेलते और खाते। जैसे जैसे सीमा कन्या से हुई शानी, बाबुल की वो चिड़िया माँ की थी वो दुलारी, थी सबकी वो प्यारी। जब खेलते थे बच्चे खिलौनों के संग, वही सीमा की प्रीति लग गई माँ के संग, लग गई माँ के संग। बचपन था उनका पिता, सीमा हो गई ज्ञानी। बाबुल को हुई चिंता, उनकी शादी थी करानी, उनकी शादी थी करानी। छोड़ मैया का आंचल बाबुल की वो गलियां, गांव सांपने में आई बन संजय की संगनी। फिर दोते फूल जाए, फिर दोते फूल जाए, आर्यन पाखी कहलाए, और दूते फूल साए, आर्यन पाखी कहलाए। एक छोटी बहन काफी जो सीमा की दीवानी, एक छोटी बहन काफी जो सीमा की दीवानी। ये थी माता की माया जो अंग संग रहती, बन सीमा की छाया, बन सीमा की सा छाया। बहुत सच्चे दरबार की। फिर सीमा को हुआ एहसास कि उनके अंदर ही है माँ वैष्णो का वास। फिर सीमा को हुआ एहसास कि उनके अंदर ही है माँ वैष्णो का वास। फिर भवन बनाया,
माई दूतनी को सजाया, माँ वैष्णो देवी और भद्रकाली का दरबार लगाया। फिर सपना आया उनको, तू आ चल ज्वाला के द्वार। ज्वाला माँ ने बोला उनको, आएगी चल के पैदल, संग ले भक्तों की टोली, कराने दिव्य दर्शन, कराने दिव्य दर्शन। फिर माँ को दिखाई, फिर माँ को दी दिखाई, पीले रंग की साड़ी सजाई, साड़ी में अग्नि जलाई। पीले रंग की साड़ी सजाई, साड़ी में अग्नि जलाई, वही छवि थी सीमा देवा ने अपने मन में बसाई। दीवानी बनी माँ की और सीमा देवा कहलाई, दीवानी बनी माँ की और सीमा देवा कहलाई। और सच्चे दरबार की और गुणवा सीमा देवा की, सीमा देवा कहलाई। और ज्वाला माँ से मिलने की मन में लगन लगाई, मन में लगन लगाई। और माँ से किया वादा, आऊंगी चल के पैदल, और समय निकल गया काफी। सबर का बांध टूटा, फिर शिष्यों को बुलाया, आदेश था सुनाया, मुझे ज्वाला माँ पे चलना, तुम्हें चलना है या नहीं चलना मुझे आज ही बताना। तारीख थी 29, महीना था 9वां, सन 2022। मैया ने लगन लगाई और दिन था सोमवार, चलने की करी तैयारी। मेरे भक्तों, यहाँ से शुरू होती है ज्वाला माई की यात्रा। सीमा देवा ने 11:30 बजे पकड़ा शिष्यों का हाथ, सभी भक्तों के साथ फिर गए मंदिर खेड़ों पर, जोड़े दोनों हाथ, बोलो जय माता की। आदि गणेश मनाऊ मैं, गरीब गोरा का ध्यान, शिव शंकर की कृपा से बढ़े सभा में मां। जय जगदम्बा।